नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। आज हम आपको बताएंगे सीलिंग फैन के स्लो होने के कारण। जी हाँ दोस्तों, तो कई सारे कारण होते हैं सीलिंग फैन की पूरी तरह से स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण है वीक कैपेसिटर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सीलिंग फैन स्पीड नहीं पकड़ रहा है, बहुत ही धीमा धीमा चल रहा है, तो उसका कैपेसिटर वीक हो सकता है। तो सबसे पहला आपको सेटअप वन है कि आप सबसे पहले अपने सीलिंग फैन के कैपेसिटर को बदल के देखें। तो पहला कारण ये हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कैपेसिटर एक कारण है स्लो होने का, ठीक है। दूसरा जो कारण है दोस्तों, कई बार क्या होता है, सीलिंग फैन के अंदर जो बैरिंग लगे होते हैं उनमें ग्रीस जो होती है, ग्रीस डाली जाती है, वो सूख जाती है। और सूख जाने के कारण होता है ये है कि पहले जब आप पंखे को चलाते हैं, शुरू में जब आप पंखे को चलाते हैं तो ठीक स्पीड पे चलता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर वो जैसे ही बैरिंग जो है वो गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आपका जो स्लो हो जाता है पंखा। तो ये बैरिंग का एक कारण है, तो आप उसे समझ सकते हैं। बैरिंग जाम होने के कारण ऐसा हो सकता है, बैरिंग की गोलियां खराब हो जाती हैं तब भी ऐसा होता है, तब आवाज भी आती है पंखे के अंदर से और स्लो चलता है, और जब जाम होता है तो ग्रीस के कारण होता है बैरिंग जाम। तो उसको, उस कंडीशन में आप उसको या तो बैरिंग बदलिए, या फिर उसके बैरिंग को नहीं बदलना चाहते तो उसमें बैरिंग को साफ करिए पेट्रोल वगैरह से, तेल से, और फिर उसमें ग्रीस डालिए, तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तीसरा कारण दोस्तों जो होता है वो होता है पंखड़ी का सही से सेट ना होना। पंखड़ी, अगर कई लोग क्या होते हैं कि पंखड़ी को कई बार पंखे को उतार देते हैं और उसकी जो पंखड़ी होती है वो गलती से मुड़ जाती है, या कोई ज़्यादा उसको मोड़ देता फिर लगाता है, फिर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पंखा पहले तेज चलता था लेकिन अब स्लो हो गया है। तो अगर पंखड़ी ठीक से वर्क नहीं करेंगी, आपस में सही से उसकी मैचिंग आप नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, बैलेंस नहीं बनेगा पंखड़ी का। अगर ब्लेड का बैलेंस ये नहीं बनता है तो फिर आपका फैन है स्पीड पकड़ेगा ही नहीं, और हिट भी ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने ब्लेड को चेक कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, स्टेटर का रोटर के साथ मैचिंग नहीं होना, ठीक है। जो इसका जो स्टेटर होता है, बीच में इसमें रोटर होता है, और जो स्टेटर का होता है, स्टेटर और रोटर आपस में मैच होने चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा, मैंने पंखा खोल नहीं रखा, नहीं आपको दिखा भी देता। तो स्टेटर और रोटर अगर ऊपर नीचे होते हैं, बिल्कुल बीचों बीच होने चाहिए, ठीक है। जो स्टेटर है वो बिल्कुल उसके जो इसका जो रोटर है वो रोटर इस साइड होता है, ऐसे ये रोटर है, ऐसे इसके अंदर होता है जो, और बीच का जो जिसमें वाइंडिंग होती है वो इसका स्टेटर होता है। तो जो स्टेटर है वो रोटर के साथ मैच करना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर रहेगा तो भी पावर इसमें ताकत चुंबक कम बनेगा और ये चलेगा नहीं, और नीचे रहेगा तो भी चुंबक कम बनेगा, स्पीड नहीं पकड़ेगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपको मैच करना है, फिक्स करके रखना है स्टेटर और रोटर दोनों को। कई बार क्या होती है कि जो क्वाइलें होती हैं, क्वाइलें मान ली वाइंडिंग यहां से हमने स्टार्ट करी इस साइड से, चाहे वो रनिंग हो चाहे वो स्टार्टिंग हो, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग जो अंदर वाली वाइंडिंग होती है यहां से हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे करते 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 यहां पे ले जाते हैं, ठीक है, यहां से इनर, यहां से आउटर तार निकलता है। उन दोनों तारों और उन दोनों क्वाइलों के बीच हम एक पेपर लगा देते हैं। पेपर इसलिए लगाते हैं कि वो क्वाइल आपस में शॉर्ट ना हो जाए। अगर यहाँ की आपस में शॉर्ट होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन ये जो क्वाइल है, जो पहली क्वाइल है और लास्ट की क्वाइल है, ये अगर आपस में शॉर्ट हो जाए तो फिर आपका फैन जो है वो बहुत ही कम स्पीड, वो जो पेपर है कई बार जल जाता है, और जलने के कारण क्वाइल शॉर्ट हो जाती है,
ठीक है, आपको लगता है कि वाइंडिंग बिल्कुल ठीक है मोटर की, लेकिन कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है यार। कंटिन्यूटी हम मीटर से चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी भी आएगी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जो पेपर है जो अपने कॉयलों के बीच में लगाया है वो शॉर्ट हो गया है, उसकी वजह से कॉयल आपस में टच हो गए हैं, पहला कॉयल और अंतिम लास्ट का कॉयल। तो उसके कारण जब आप कैपेसिटर लगाते हैं तो कुछ ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा पंखा स्लो हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है, इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे मेन कारण है। बाकी कारणों को आप देख सकते हैं लेकिन ये कारण कई बार पकड़ में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अगला है दोस्तों, कई पंखों के अंदर आपने देखा होगा डबल गेज, डबल वायर डबल तार डाला जाता है, डबल गेज से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, डबल डाला जाता है, जैसे 37 नंबर डबल डाल दिया या 36 नंबर डबल डाल दिया। तो होता क्या है कि अगर जब आप डबल डालते हैं तो पंखे के अंदर बहुत ही पतले तार डाले जाते हैं डबल डालने पे, ठीक है। तो कई बार होता क्या है कि उसमें से डबल में से कोई एक तार रनिंग में या स्टार्टिंग में कोई एक तार ओपन हो जाता है, यानी कि कट हो जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, कुछ भी हो, ठीक है, यानी कि ओपन हो जाता है। उस ओपन हो जाने के कारण पंखा स्लो हो जाता है। जब आप कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक करते हैं वैसे तो कंटिन्यूटी पूरी आती है, आप देखते हैं वाइंडिंग को तो वाइंडिंग आपको करेक्ट लगती है, फिर आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कारण है, पंखा समझ में आ नहीं रहा है, वाइंडिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पीड पूरी नहीं आ रही है, बिजली भी सही है, कैपेसिटर भी सही है, सब चीज़ें ठीक हैं, रोटर भी ठीक बैठा रखा है, लेकिन कारण यही होता है कि एक तार जो होता है वो कहीं से कट हो जाता है। तो ऐसे में आपको या तो तार को ढूंढ के जोड़िए या फिर आप दोबारा से वाइंडिंग आपको करनी होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रखिए कि और इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता है, तार टूटने की वजह से प्रॉब्लम होती है दोस्तों। कई बार होता क्या है कि पंखे का जो ये सापट होता है, ये सापट के अंदर कभी बल आ जाता है, और बल आ जाने के बाद बल आएगा तो ऐसे ऐसे करके हिलेगा और पूरी स्पीड भी ये नहीं लेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में आपको पंखा हिलता हुआ दिखेगा, इसको आप आराम से पकड़ सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आपको फिर सापट चेंज करना होगा। मैंने आपको दो प्रॉब्लम बताए हैं जो कि डबल तार वाली है, तो डबल तार अगर डबल गेज डाल रखे उसमें से कोई किसी भी कॉइल के अंदर रनिंग में या स्टार्टिंग में कहीं से भी कट हो जाना और एक तार पे ही पंखा चलना, तो एक तो ये मेन कारण है पंखे का स्लो हो जाना जो कि पकड़ में बहुत कम आता है। दूसरा होता है दोस्तों कॉइल जो होती हैं आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो ये चीज दिखती नहीं है, कॉइल के अंदर जो कागज लगे होते हैं वो आपस में कागज बीच से जल जाता है, और कई बार जलता भी नहीं है तो, या कई बार कागज भी नहीं लगाते, कई लोग होते हैं कि ऐसे ही रिवाइंड कर दिया और जो कॉइल का जो इनर सिरा है और आउटर सिरा उसके बीच कागज नहीं लगाते, और फिर बाद में कुछ दिनों के बाद महीने दो महीने में तीन महीने में चार महीने कभी भी ज्यादा वोल्टेज आने पर ज्यादा हीट होने पर वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं तारे, और तारे शॉर्ट हो जाने के बाद कंटिन्यूटी पूरी मिलती है, वाइंडिंग आपको नई लगती है, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन आपकी मोटर फिर नहीं चलती है, उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपकी शायद आपकी पकड़ में ना आए, लेकिन आप बल्ब वगैरह से चेक करेंगे, 220 वोल्टेज का जो बल्ब होता है उससे सीरीज में लगा के आप चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ सकती है, ठीक है। शॉर्ट होगा तो बल्ब बहुत ज्यादा तेज जलेगा जो कि जलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो आपके ऊपर आप पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही कुछ कारण होते हैं जो कि पंखे की स्पीड में कंप्लीट स्पीड उसमें नहीं मिल पाती, इसी इन्हीं कारणों के कारण, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं या किस चीज पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या कुछ हमसे मिस हो रहा हो, आपको और भी जिसके बारे में जानकारी हो आप बताना चाहते हो तो बेझिझक बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।